सबीना किरण व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, खुश पाश होंगे और अपनी फैमिली के साथ मजे कर रहे होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जी एनिमल मूवी का ऑनेस्ट रिव्यू। तो आसिफ साहब बताएं जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एनिमल देखने का? फिट। बहुत मशहूरी सुनी थी जी एनिमल मूवी की हमने। यूट्यूब पे तो अभी नहीं आई, लेकिन नेटफ्लिक्स पे हमने ढूंढ ली और हमें मिल गई। बड़ी जबरदस्त फिल्म है, रूटीन से हटके। वायलेंस बहुत ज्यादा 18 प्लस कैटेगरी में फॉल करती है, छोटे बच्चों के साथ नहीं देख सकते, पेरेंटल गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो इस फिल्म में ये है कि फैमिली का सेटअप दिखाया और फाइनेंशियली बड़े तगड़े होते हैं, वो बाप बड़ा बिजी है। तो इसमें बिजी पेरेंट्स के लिए भी एक लेसन है कि जो पेरेंट्स बहुत बिजी रहते हैं, बच्चों में तवज्जा नहीं दे सकते, उनके बच्चे फिर बिगड़ जाते हैं, हाथ से निकल जाते हैं। बाप की प्रेजेंस होनी चाहिए, बाप का रोल होना चाहिए फैमिली में। बाप बेचारा पैसा कमाने में लगा हुआ है, जो कि हम बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए भाग दौड़ में लगे ही होते हैं, तो हकीकतन उसमें बच्चे निगलेक्ट हो जाते। और इसमें बहुत कुछ है, लेकिन ये है कि अच्छा, आपको सबसे ज्यादा किसकी एक्टिंग अच्छी लगी इसमें या किसका रोल जो है ना आपको बहुत अच्छा लगा? मुझे रोल अच्छा लगा है, रणबीर कपूर पे हाईलाइट है और बॉबी देओल का मुझे क्या जबरदस्त साइलेंटली, यानी कि उसने जो है ना बोल नहीं सकता, अच्छी एक्टिंग की है। तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि जो यंग बच्चे हैं 13-14-15 साल के, वो इस फिल्म को ना ही देखें तो बेहतर है, उनको ना दिखाया जाए, और अगर दिखाते भी हैं तो फिर एक बड़ी चीज है इसमें कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं। लेकिन ये है कि जितनी स्ट्रांग वो फैमिली दिखाई है कि भी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट फैमिलीज इन इंडिया, ठीक है, बल्कि एशिया, अपने स्कूल कॉलेजेस हैं, बिजनेसेस हैं, ठीक है, हर नेटवर्क में उनका यानी बड़ा इन्फ्लुएंस है, बासर है। तो ऐसे बासर लोग हैं भी है दुनिया में कि जिनको आम पुलिस थाना और इस तरह से हाथ नहीं डाल सकता, लेकिन जितना उसमें वायलेंस दिखाया गया तो यंग बच्चे तो ना ही देखे तो बेहतर। जुनून है उस बच्चे का अपने बाप के लिए, अपने फैमिली के लिए प्रोटेक्ट करना है उसको। बाप को प्रोटेक्ट करता है, अपनी बहन को प्रोटेक्ट करता है, वो सब चीजें ठीक है, यानी सही है, भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। मुझे तो अच्छी लगी ओवरऑल, मुझे बेहतर लगी। लेकिन अब इसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि जो प्रोटेक्ट करने का जो तरीका कार है वो बड़ा खतरनाक है। तो जो हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग अगर इस तरह से करें तो मिनटों पहले जो है वो चौकी थाने केस बड़े मसलम साइल बद। तो वो चंद ही फैमिलीज है दुनिया में इस तरह से जिनको के कानून भी हाथ डालने से पहले रुक जाता है, इस तरह के लोग माफिया है। तो ओवरऑल तो अच्छा एंटरटेनमेंट की हद तक बिल्कुल देखें, एंजॉय करें, ठीक है, जो एक इंसान के जहन में होता है। क्योंकि देखिए जितने भी एक्शन ओरिएंटेड या एक्शन की थीम पे फिल्में बनती हैं, अब हमारे पाकिस्तान में लेजेंड और मौला जट जो है वो अभी तक बिजनेस कर रही है, वो जो हमने सिनेपैक्स पे देखी थी अभी भी वहां पे लगी हुई है। तो ये एक वायलेंस है, एक्शन है, ये अट्रैक्ट जरूर करता है बंदे को, लेकिन उसको सिर्फ इंटरटेनमेंट की हद तक बच्चों को गाइड करें कि सिर्फ इंटरटेनमेंट है, ठीक है, और इसको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करने का सोचना या इम्प्लीमेंट करने का वो हकीकत से उसका कोई वास्ता नहीं है। ये नहीं कि रणबीर कपूर को देख के आप ही रणबीर कपूर बन जाए, इतने तो वाई फायर कर छो तो अगले दिन कम्प्लेन हो जाती है तो फिर भागे दौड़े फिरते हैं। तो उसने तो इतना बंदा मार दिया, मेरे ख्याल में कोई 400-500 बंदा मार दिया है ना, उन्होंने बनाई है फॉर एंजॉयमेंट। तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ जब फ्री टाइम हो, न्यू मूवी है, रूटीन लाइफ से हटके है, रूटीन स्टोरीज से हटके, स्टोरीज से भी बिल्कुल रूटीन स्टोरीज जो यानी कि बॉलीवुड की चल रही है, लव स्टोरी हो गई तो फलाना लड़का और लड़की की अटैचमेंट हो गई, केमिस्ट्री मिल गई, बिछाती हो गई और ये
शादी नहीं हो रही, माँ बाप नहीं मान रहे, यानी इस तरह की स्टोरी नहीं है, हटके है वो। बेसिकली इस फिल्म ने बॉलीवुड के सिनेमा को रिवाइव किया। बिल्कुल ठीक है, यानी बॉलीवुड का सिनेमा, लेजेंड ऑफ मौला जेड ने पाकिस्तान का जो सिनेमा है हाँ, उसको रिवाइव किया। तो ये है कि बॉलीवुड का सिनेमा डाउन जा रहा था, आवाम थक गई थी वही शाहरुख खान सलमान खान की फार्मूला फिल्में देख देख के, ठीक है शुगली फिल्में कॉमेडी देख देख के, यानी एक फिल्म चलती है तो फिर पूरी इंडस्ट्री उस तरह चल जाती है, क्योंकि मेन मकसद तो होता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर कास्ट का पैसा कमाना, ठीक है। तो वो पैसे के पीछे जो एक फार्मूला चलता है फिर सारे उसके पीछे लग जाते हैं। तो ये समझ लें कि अब एक तरह से हट गया फार्मूला, यानी अब इसने चंगा भला पैसा कमा लिया, KGF ने साउथ के सिनेमा को रिप्रेजेंट किया, तो ये बॉलीवुड को, साउथ का डायरेक्टर है, साउथ की बाकी सारी टीम है, लेकिन मेन कास्ट उन्होंने बॉलीवुड से ली। तो बॉलीवुड के सिनेमे को रिवाइव करने के लिए अब हो सकता है कि मजीद अच्छी फिल्में आए, एक्शन ओरिएंटेड, थोड़ी सी थीम चेंज हो, बॉलीवुड रिवाइव हो, वो अच्छा था ओवरऑल, ठीक है। बच्चों को ना दिखाएं, छोटे बच्चों को अवॉइड करें, उनको ना ही दिखाएं तो बेहतर। तो यही था जी आज की वीडियो में, हमने कहा एनिमल हमने देखी है तो हम अपनी YouTube फैमिली के साथ भी रिव्यू शेयर करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक द वीडियो, गिव्स अ बिग थम्स अप, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दिया करें, और इस तरह की वीडियोस को सपोर्ट किया करें, हमें सपोर्ट करें जी, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, हैं? हाँ जी हाँ जी, थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय 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 बाय।